हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, नीट 2020 की एग्जाम में 650 प्लस मार्क्स गेन करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज की हेल्प लेनी होगी। जो स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं उनके कोचिंग सेंटर में मार्च और अप्रैल महीने में DTS यानी डेली टेस्ट सीरीज या फिर RTS यानी रिवीजन टेस्ट सीरीज लगते हैं, जिनमें स्टूडेंट नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। इन DTS को कुछ स्टूडेंट छोड़ देते हैं और वो अपने हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं और वहाँ ही वो गलती कर बैठते हैं, क्योंकि DTS में चैप्टर वाइज सिलेबस कवर किया होता है, जिससे पूरे सिलेबस का रिवीजन अच्छे से होता है। साथ ही साथ MCQs की प्रैक्टिस भी होती है। अभी जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको 650 प्लस का स्कोर करने के लिए किसी अच्छे से कोचिंग सेंटर या कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर ऑनलाइन कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी है तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, अदरवाइज ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि नीट 2020 की एग्जाम पेन एंड पेपर मोड पर होने वाली है। दोस्तों, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो फरवरी 2020 तक सिलेबस कवर कर लें। मार्च और अप्रैल मंथ में आप टेस्ट सीरीज की ही प्रैक्टिस करें, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। टेस्ट सीरीज से ये फायदा होगा कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन होने से एक चैप्टर में संभावित काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें टाइम मैनेज हो जाता है। इससे आप सब्जेक्ट वाइज टाइम को मैनेज कर सकते हैं। इसमें बीच बीच में हाफ सिलेबस टेस्ट होने से आपने जो पिछले टेस्ट दिए हैं उनका भी फिर से रिवीजन हो जाता है और लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट से आपका रिवीजन पूर्णतया हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो इन 2 महीनों में हर एक चैप्टर का 4 बार रिवीजन हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के तहत मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि 650 प्लस स्कोर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप वेल प्लान्ड स्टडी करते हैं तो। आप फरवरी के अंत में सिलेबस कवर कर लें और उसके बाद अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज से ही आपका चैप्टर का बार बार रिवीजन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और टाइम मैनेज भी कर पाएंगे और नीट 2020 की एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अभी तो आपको यही प्लानिंग करनी है कि फरवरी के अंत तक सिलेबस किस प्रकार से कंप्लीट करें। तो दोस्तों, ये जानकारी थी टेस्ट सीरीज के बारे में, जो आपने अवश्य ही ज्वाइन करनी है फरवरी मार्च अप्रैल मंथ में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें। वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।